Friends, this is my second video, and if you like it, then subscribe my channel Mary Berry and press the bell icon to get more notifications. और आज मैं लाई हूँ आपके लिए इजी नाश्ता रेसिपी विच इज़ आलू एंड बेसन चीला, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ आलू छिले हुए, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, सरसों का तेल, बेसन. सबसे पहले हमें अपने छिले हुए आलू को ग्रेट कर लेना है. ग्रेट करने के बाद हमें फ्रेंड्स कुछ इस टाइप की लच्छियाँ मिलेंगी. मैं अपने सारे आलूओं को ग्रेट कर लेती हूँ. सो फ्रेंड्स, मैंने अपने आलू ग्रेट कर लिए हैं और मैंने इसमें पानी डाला है ताकि आलू सूखे ना. अब मैं इसे एक कपड़ा लेकर के अपने सारे पानी को अपने सारे आलूओं में से निकाल लूँगी. ऐसे ही हमें दो तीन बार करके अपने आलूओं में से सारा पानी निकाल लेना है. सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स्ट्रा पानी है जिसे हमें निकाल लेना है. और ये हमारे आलू काफ़ी रफ हो चुके हैं और हमें ऐसे ही ड्राई आलू चाहिए. सो बचे हुए आलू में से भी मैं सारा पानी अपना ड्रेन कर लूँगी. सो फ्रेंड्स, मैंने अपने आलू में से सारा पानी ड्रेन कर लिया है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी रफ है, इसे हमें रफ ही रखना है. अब मैं इसमें अपने बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स डालूँगी. अनियन जो मैंने कट किया है, मैंने एक अनियन लिया है, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अब मैं नमक डालूंगी, लाल मिर्च कंपलसरी है. अगर हरी मिर्च आपने ज़्यादा डाली है तो लाल मिर्च आप नहीं भी डाल सकते हैं. 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1 टेबल स्पून बेसन मैं ज़रूरत अनुसार ही डालूंगी. अभी मैंने 4 टेबल स्पून बेसन डाला है. मिक्स करने के बाद पता चलेगा कि और रिक्वायर्ड है कि नहीं बेसन की. ये रफ लग रहा है दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा वाटर ऐड करूंगी ज़रूरत अनुसार. थोड़ा सा ही पानी डालेंगे. मैं थोड़ा और बेसन डालूंगी, लगभग 5 to 6 टेबल स्पून बेसन लग ही जाता है फ्रेंड्स. और थोड़ा सा पानी. सो फ्रेंड्स, ये हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा. अब मैं इसे पैन में बनाऊंगी. पैन को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे. हमारा पैन गर्म हो चुका है फ्रेंड्स. मैं इसमें हल्का सा सरसों तेल डालूंगी और इसे फैला दूंगी. मिक्सचर जो मैंने बनाया था उसको दो से तीन टेबल स्पून मैं अपना मिक्सचर डालूंगी और इसे धीरे धीरे फैलाऊंगी. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा चूल्हा बनाया. आप किसी भी शेप का बना सकते हो.
सा सरसों तेल और डाल दूंगी ताकि ये चिपके ना, और इसे मीडियम फ्लेम पे सिकने दूंगी। फ्रेंड्स आप याद रखिए, इसे हमें ऊपर से कवर कर देना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज क्योंकि ये ऊपर से भी भाप से ताकि सीख जाए और हमें पलटने में आसानी हो। सो फ्रेंड्स हमें इसे डाले 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपना कवर हटाऊंगी और देखूंगी। देखिए ये ऊपर से भी हाफ सीख चुका है, अब हमें इसे पलटने में आसानी होगी, ये टूटने का इसका डर कम होगा। देखिए फ्रेंड्स हमें अपने चीले में यही गोल्डन कलर चाहिए। अब मैं इसे दोनों तरफ से सीख दूँगी अच्छे से। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे चीले का दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन टाइप का कलर आ चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे हमारे प्लेट में उतार लूंगी। सो फ्रेंड्स दिस इज माई आलू चीला रेसिपी, and if you like my recipe so please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.